Now let me discuss the problem number 1.259 of this book I wrote off. The particular problem is already there in my lecture class. It's already there in the DPS. Just have a look at DPS 14 and problem number 10 of DPS 14, and you will find this particular problem 1.259 there thoroughly discussed. Just have a look. In the arrangement shown, a weight A possesses mass m, pulley B possesses mass capital M, also moment of inertia related to axis and the radius R. Find the thread of mass m is negative of axis. देखिए मैं तो सीधा सीधा फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं. यह अंदर वाला और यह बाहर वाली, इधर से मुझे यह बंधा हुआ दिख रहा है और इधर से एक मास लटका हुआ दिख रहा है. मैंने सीधा एलिवेशन बनाया है एंड हुआ. यह मास स्मॉल m, यह मास कैपिटल m, r हुआ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i. अब देखिए यदि यह पुली सबसे पहले काइनेमेटिक के पैरामीटर ही असाइन और रिलेट करना पड़ेंगे. काइनेमेटिक के पैरामीटर सही से असाइन और रिलेट कर लिए तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन को रिलेट करने वाली बात की. यदि यह पुली किसी भी इंस्टेंट पर अल्फा से रोटेट हो रही है तो यह धागा अनवाइंड होएगा और इस धागे के अनवाइंड होने से पूरी पुली नीचे गिरेगी और यह ए से नीचे गिरेगी. यह पुली नीचे की तरफ जिस ए से गिरेगी दैट वुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर. और जब यह पुली अल्फा इंटू आर से अनवाइंड होते हुए नीचे गिरेगी तो इसके साथ इधर जो धागा है वो भी अनवाइंड होएगा और इधर जो धागा अनवाइंड होएगा उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होएगा अल्फा इंटू टू आर. इधर जो धागा अनवाइंड होएगा उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा इंटू टू आर होगा. इस वजह से यह मास नीचे गिरेगा एक्सीलरेशन ए डैश से. और ये ए डैश क्या होगा जरा देखें, जो धागा अनवाइंड होगा अल्फा इंटू टू आर वो तो है ही, वो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ही. साथ में जब यह डिस्क ए एक्सीलरेशन से नीचे गिर रही है तो इसके साथ में यह ब्लॉक अल्फा इंटू आर. इस तरह से इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए डैश जो हो जाएगा दैट इज थ्री टाइम्स अल्फा इंटू आर. यह बात यदि समझ ली सॉल्व हो जाएगा. यदि यह अल्फा से घूम रही है, यदि यह अल्फा से घूमी तो इधर धागा अनवाइंड हुआ अल्फा इंटू आर से तो यह पूरी की पूरी पुली अल्फा इंटू आर से नीचे आई. अब यह पुली अल्फा इंटू आर से नीचे आई तो ये घूमती हुई पुली अल्फा से घूम रही है तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा अल्फा इंटू टू आर. तो ये जो धागा खुलेगा वो अल्फा इंटू टू आर से खुलेगा. तो धागा अल्फा इंटू टू आर से खुल रहा है इसलिए तो ब्लॉक नीचे जा गई और साथ में ये पूरा सिस्टम भी अल्फा इंटू आर से नीचे आ रहा है.
तो इसका नेट एक्सीलरेशन अल्फा इंटू टू प्लस अल्फा थ्री अल्फा हो जाए, हो गया प्रॉब्लम, बस यही समझ जाता। अब इसके बाद बड़ा आसान है, दो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लें, एक तो यहां स्मॉल mg और द टेंशन t वेयर दिस एक्सीलरेशन इज a डैश दिस थ्री अल्फा r, और दूसरा यह फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। जिसमें यह टेंशन t और इधर टेंशन t डैश, इधर mg, जिसमें इसका एक्सीलरेशन a विच इज अल्फा r और इसका रोटेशन एंगुलर एक्सीलरेशन विच इज अल्फा, हो गया। इसके लिए लिखेंगे mg माइनस t इज इक्वल टू एम ए डैश, और पूछा क्या है हमसे जरा वो उसी टर्म में हम देखिए टेंथ में फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द वेट, एक्सीलरेशन ऑफ द वेट मतलब यही एक्सीलरेशन पूछा, तो एम ए डैश ही लिखा रहने देता हूं, तो कोई भी ऑल्सो वेट ए डैश ही पूछा तो सारा डेटा में ए डैश के टर्म में लिख दूंगा। अब इसके लिए इक्वेशन लिख देता हूं, कैपिटल एम जी प्लस टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए और कैपिटल एम इंटू ए डैश बाय। और रोटेशनल इक्वेशन लिख देता हूं, पी इंटू टू आर माइनस प्लस टी डैश इंटू आर, इसके अबाउट पी भी रोटेट कर रहा है टी डैश भी रोटेट कर रहा है, एम जी की वजह से कोई टॉक नहीं, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और आई अल्फा की जगह पर लिख दूंगा ए डैश बाय, ठीक है सारी इक्वेशन ए डैश के नाम में हो गई। तीन इक्वेशन दिख रही है और तीन वेरिएबल दिख रहा है पी T डैश और A डैश, सॉल्व कर दीजिए। फिफ्टींथ प्रॉब्लम,